सिविल लाइन में जी 7 मई को एक घटना रिपोर्ट हुई थी जिसमें एक नाबालिग बच्ची एक किडनैपिंग के बारे में सूचना थाने पर दी गई थी। इसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत था। उसी में तफ्तीश करते हुए कुछ हफ्ते संज्ञान में आए थे जिसमें कि आज बच्ची का शव बरामद किया गया। उसी में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ में फायर जो है एक्सचेंज हुआ है। उसी में आरोपी के पैरों में गोलियां लगी हैं। फिलहाल आरोपी को एडमिट करवाया गया है हॉस्पिटल में और आगे कार्रवाई की। सर पुलिस की तरह आरोपी ने भी क्या पुलिस पर गोलियां चलाई? पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग हुई थी। उसी फायरिंग में बदमाश घायल हुए हैं। कितने बदमाश थे? एक बदमाश था जिसके द्वारा ये घटना को अंजाम दी गई थी जिसकी अरेस्टिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल बदमाश को उपचार के लिए। और पुलिस की तरफ से कितने जवान थे जब मुठभेड़ हुई थी? वहाँ पे पुलिस की संख्या थी, थाने की और स्वाट टीम वहाँ पर मौजूद थी। कोई चोटिल तो नहीं है? आपस में कुछ चोटें हैं वहाँ पे, उनको उपचार करवाया जा रहा है। फिलहाल आगे कार्रवाई।